अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ लाइबा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का बारबेक्यू। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए ले लेंगे हम लहसुन अदरक, मैंने इतना लिया, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, 4 टेबल स्पून लेमन जूस, सॉल्ट टू टेस्ट, दही मैंने 1 कप के करीब लिया है, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, भुरभुरी मिर्च 1 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करके आप मैरिनेशन तैयार करें। हमने ब्लेंड करके इसकी मैरिनेशन तैयार कर ली है। इस तरह से आपने थिक थिक सी रखनी है। अब एक जगह हम चिकन के पीसेस ले लेंगे, जो कि 2 लेग के हैं और 4 चेस्ट के पीस हैं। अब इसको अच्छी तरह हम कट लगा लेंगे। कट हम गहरे लगाएंगे ताकि हमारी मैरिनेशन अच्छे से हो सके। इस तरह से आपने तमाम चिकन के पीसेस को कट लगा लेने। हमने तमाम चिकन के पीसेस को अच्छे से कट लगा लिए हैं। अब मैरिनेशन के लिए जो हमने मिक्सचर बनाया था वो चिकन को हम अच्छी तरह लगा देंगे। अच्छी तरह हाथों की मदद से लगाएं ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। इस तरह आपने तमाम चिकन के पीसेस को मैरिनेट कर लेना है। अच्छी तरह हाथों की मदद से आप चिकन को मिक्सचर लगा दें। हमारे तमाम चिकन के पीसेस को मसाला लग चुका है। अब इसे हम 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे और दूसरी जगह हम इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम लेंगे गोल लाल मिर्च, ऑप्शनल है आप लेंगे या नहीं, कश्मीरी मिर्च जो कि लाजमी है, और इसे मैंने गर्म पानी में भिगो के रख दिया है, 1/2 कप के करीब इमली का पल्प, गुड़ ले लें, गुड़ नहीं है तो शक्कर और चीनी भी ले सकते हैं, सॉल्ट टू टेस्ट, पुदीना 1 कप के करीब, ब्लैक पेपर 0 और 3 अदद हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ब्लेंड करके चटनी तैयार कर लें। देखिए हमारी चटनी तैयार हो गई है। इस तरह की थिक से तैयार करनी है, पानी ऐड नहीं करना। और इसके साथ साथ आप सलाद भी तैयार कर लें। अब एक जगह हम अंगीठी लेंगे, उसमें कुछ लकड़ियाँ कोयले ऐड करके आग जला लेंगे। चिकन के पीसेस को हम सीखों पर लगा देंगे। इस तरह आप तमाम चिकन के पीसेस को आप सीखों पर लगा दें। तमाम चिकन के पीसेस सीखों पर लग चुके हैं और जो हमारी मैरिनेशन बची थी वो भी हमने इसके ऊपर डाल दी है।
अभी हम इसे कोयलों पर रखेंगे। जब चिकन हाफ डन हो जाए तो इसे आप ऑयल से ग्रीस करके टर्न कीजिएगा। लीजिए हमारे चिकन बारबेक्यू टिक्का कितना मज़ेदार सा तैयार हो गया है। याद रखिए आप इसी चटनी के साथ इसे सर्व कीजिए। इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टेस्ट बहुत अच्छा है। इस तरह के तमाम अच्छे अच्छे रेसिपीज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।